हर माँ बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर माँ बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। हो गए, कुछ माँ बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। ये मैसेज वाली बात है सर। कौन ज्यादा बड़ा महारथी? अगर इन कहानियों से भी आपको संदेश नहीं मिलता तो इन कहानियों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है सर। संकट का कोई भी दौर हो, जैसे एग्जाम देने ही बच्चे जा रहे हैं, उसी समय सिर्फ माँ बाप इतना बोल देंगे जाओ तुम फाड़ दोगे। कुछ माँ बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। क्या कर रहे हो? तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब दबाव। हर माँ बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर माँ बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षा मतलब दबाव। शल्य और कर्ण, कर्ण इतना बड़ा योद्धा है और कर्ण का सारथी कौन है? शल्य। शल्य मतलब संदेह। और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद, चैतन्य खुद। यह बड़ी जबरदस्त पिक्चराइजेशन है महाभारत की। ऐसे ही दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बड़े काबिल लोग लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों जो एग्जाम्पल है महाभारत के सर, एक तरफ अर्जुन, अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण। कृष्ण मतलब चैतन्य, आपकी कॉन्शियस, जो कभी आपको डिप्रेस कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ एक महारथी है जो शायद अर्जुन से भी बड़ा महारथी है, कर्ण। इसका सारथी कौन? शल्य। शल्य मतलब संदेह। जीत में, अब ये मैसेज वाली बात है सर। अगर इन कहानियों से भी आपको संदेश नहीं मिलता तो इन कहानियों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है सर। इन कहानियों को जानने का कोई औचित्य ही नहीं है सर। हम सब, कर्ण ज्यादा बड़ा महारथी है, ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा, अपने बड़े सारे मित्रों को देखा, बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़े उदाहरण थे। विनोद कांबली, विनोद कांबली का जब क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ तो जो क्रिकेट के पंडित थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी थी। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए, एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए। उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुए था, बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन में और वो हार गए। इसलिए जहां भी युद्ध है, जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। जय हिंद।